prokaryotic and the eukaryotic. So here the topic is comparing between the prokaryotics and the eukaryotics. Difference क्या होता है prokaryotic और eukaryotic में? इन बीच में difference क्या होता है? Compare हम लोगों को prokaryotic और eukaryotic के साथ compare कर रहे हैं, eukaryotic को prokaryotic के साथ, मतलब कि दोनों को compare कर रहे हैं. कौन सी चीजें यहाँ पर होती है वहाँ पर नहीं होती, जो वहाँ पर है वो यहाँ पर क्यों नहीं होती? तो first of all discuss about the prokaryotic. Prokaryotic comes from two Greek word, pro means before, karyon is because. Those organisms which cells do not have a membrane bounded nucleus are called prokaryotic. जिन भी सेल्स में न्यूक्लियस बाउंडेड नहीं होगा वो सारे के सारे हमारे प्रोकैरियोट में आते हैं. वो कौन है? बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं. वो बाजे आप हमारे यहाँ पर यूकेरियोटिक हैं. जाहिर सी बात है जब हम कंपेयर कर रहे हैं जो चीज यहाँ पर नहीं होगी वो ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली यहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं. तो आप ऐसे समझेंगे वहां पर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं था और यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है. यूकेरियोटिक सेम अल्फास ग्रीकियस ग्रीकियस से लिया गया है. कैरियन तो सेम है, यहाँ पर भी कैरियन है, वहां पर भी कैरियन. कैरियन मींस न्यूक्लियस और यहाँ पर आ रहा है दूसरा यू. यू मींस क्यू. यहाँ पर क्यू न्यूक्लियस होता है और वो बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंड्रीज बाउंडेड आर्गनेल्स के साथ होता है, मतलब ये सेल है और यहाँ पर न्यूक्लियस होगा उसको बोलेंगे यूकेरियोटिक. जो भी सेल होगा जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गनेल्स होंगे वो सारे के सारे यूकेरियोटिक्स कहलाएंगे. और वो कौन से हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स. हम वी आर रिलेटेड आल्सो इन द एनिमल्स. जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स आप अपने आंखों से देख रहे हैं अराउंड यू वो सारे के सारे हमारे यूकेरियोटिक में आते हैं. और बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे हमारे प्रोकैरियोटिक में आते हैं. ये बात याद रख लें कि ये मल्टी सेलर नहीं होते, सारे के सारे यूकेरियोट हैं. ये यूनिसेलर होते हैं, एक सेल होते हैं और ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर कुछ मैंने ऑर्गेनेल्स लिखे हैं जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, सेल्स हो गए, ट्यूब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हो गए, लाइसोसोम्स पेरिसोम्स हो गया, सेल साइड हो गई, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया और लास्ट में आया हमारा वेन्यूस. ये में कुछ ऑर्गेनेल्स हैं और भी बहुत से होते हैं. अब ये बताएंगे कि ये प्रोकैरियोटिक में होते हैं या यूकेरियोटिक में होते हैं, कहाँ पर नहीं होते कहाँ पर होते हैं वो मैं बताऊंगा. न्यूक्लियस मैंने पहले ही बता दिया, प्रोकैरियोटिक में विदाउट मेम्ब्रेन होता है और यहाँ पर ट्यूब होता है, इसके मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है. यहाँ पर फॉल्स होता है सेल और यहाँ पर ऐसे बोलेंगे ट्यूब होता है. अब आ जाए क्रोमोसोम्स. यकीनन यहाँ पर होंगे बट वन बट नॉट ट्यूब, एक ही होता है पर वो ट्यूब ऐसे बोलेंगे कंप्लीट है, क्रोमोसोम्स नहीं होता. क्रोमोसोम्स की तरह कुछ थ्रेड्स वगैरह होते हैं जिसको ट्यूब तो नहीं बोल सकते पर बोल सकते हैं कि एक होता है. और यहाँ पर मोर देन वन यूनिक मल्टीसेलुलर में बहुत से होते हैं और यूकेरियोटिक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अच्छा खासा होता है. अब आ जाए आप नंबर ऑफ सेल्स. मैंने पहले बताया प्रोकैरियोटिक जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हमारे यूनिसेलुलर होते हैं और यहाँ पर यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. यहाँ पर सिर्फ यूनिसेलुलर के और यहाँ पर यूनि के साथ साथ मल्टी भी हो सकते हैं. और अब आ जाए आप ट्यूब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स. जितने भी ऑर्गेन्स हैं सेल के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको ऑर्गेन्स बोलते हैं. यहाँ पर ऐसा होता है जाहिर सी बात है न्यूक्लियस नहीं होगा ऑर्गेन्स कहाँ से होंगे. और यहाँ पर सारे के सारे मौजूद होते हैं. वो अलग चीज है कि कुछ एनिमल सेल में होते हैं कुछ प्लांट सेल में होते हैं पर है तो सही. अब आ जाए लाइसोसोम्स एंड प्रोकैरियोट्स. यहाँ पर नहीं होते और यहाँ पर होते हैं. अब सेल साइज प्रोकैरियोटिक कितना बड़ा होता है और यूकेरियोटिक कितना बड़ा होता है. तो जो प्रोकैरियोटिक की साइज है वो 1 टू 10 नैनोमीटर तक होता है, बहुत छोटा है 1 टू 10. और जो यूकेरियोटिक है उसके मुकाबले में 1 से लेकर 1000 तक मींस ये 1000 टाइम इससे बड़ा हो सकता है जिसको हम यूकेरियोटिक बोलते हैं. अब आ रहे हैं आप एंडोप्लाज्म रेटिकुलम. ये ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल ऑर्गेनेल में आते हैं. यहां पर यकीन नहीं होंगे वो वहां पर होंगे. ऐसे समझे प्रोकैरियोटिक सिंपल सेल है, बस एक सेल है जहां पर एक न्यूक्लियस भी नहीं होता जिसको प्रोकैरियोट बोलते हैं. और एक यूकेरियोटिक एक कॉम्प्लेक्स सेल है जहां पर बहुत से ऑर्गेनेल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री है जहां पे सेल के न्यूक्लियस के साथ-साथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गोल्जी अपैरेटस और बहुत से ऑर्गेनेल्स वैक्यूल्स बहुत सी चीजें होती है. ये सिंपलेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स है जिसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं और यूकेरियोटिक में. तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक. होप यू आर अंडरस्टैंड वेल. अगर कोई क्वेश्चन है कोई भी चीज है तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दे सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं.